हो नीट को क्रैक करना, तो हाँ ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो नीट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें सिलेबस के बारे में सब पता होता है। एनटीए जो सिलेबस होता है वो पहले ही कंडक्ट करवा देता है कि ये सिलेबस इसमें आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें जेईई एग्जाम की, तो उसमें सिलेबस का मेनली कुछ पता नहीं होता है, कहाँ से क्या क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो अगर हम बात करें जेईई और नीट में मुश्किल एग्जाम कौन सा है, तो वो हम बात करेंगे जेईई एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है और टफ एग्जाम है एज कम्पेरिजन टू नीट। लेकिन अगर हम स्कोरिंग की बात करें या फिर हमें एम्स वगैरह में इसकी बात करें या फिर हमें मिड से एक अच्छा कॉलेज मिले उसकी बात करें, तो नीट एग्जाम इज बेस्ट टू योर एम्स। डॉक्टर बनना है तो भाई नीट की प्रिपरेशन आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो जे का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि नीट एग्जाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे फर्स्ट थिंग जो हर स्टूडेंट हर नीट एस्पिरेंट अपनी जर्नी में गलती करता ही करता है, वो चीज है एनालिसिस करना। देखो हर कोई अपनी तैयारी अच्छी कर लेता है, सब पढ़ाई तो सब करते हैं, सब टेस्ट वगैरह सब देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो होती है टेस्ट को एनालाइज करना, वो नहीं करते, ठीक है। टेस्ट को एनालाइज हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जहां हमें पता नहीं होगा कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं या कहां हमारी गलती हुई है, तो वो गलती हम नेक्स्ट टाइम भी दोहराएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम भी दोहराएंगे, तो हमारे भाई जब तक दो तीन ड्रॉप और भी लग जाएंगे। तो अगर आपको नीट का एग्जाम जल्दी क्रैक करना है तो एक ही साल में बहुत सारे टेस्ट दो, हफ्ते में एक टेस्ट तो जरूर दो, एक ऐसा मॉक टेस्ट रखो जो कि एज 720 नंबर का हो। बेसिकली वो अगर आप एक चैप्टर का देना चाहते हो तो एक चैप्टर का हो, वही एक चैप्टर का अगर आप 720 मार्क्स का एक बेटर टेस्ट कर लेते हो तो वो चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये तो आपका ही बेनिफिट है। तो देखो बेसिकली सबसे फर्स्ट थिंग यही रहती है कि आप टेस्ट को एनालाइज करो। दूसरी चीज जो मेन एंड इम्पोर्टेंट है, देखो स्मार्टफोन सबके पास होंगे, अब बात ये आती है उस स्मार्टफोन का कौन अच्छे से यूज कर रहा है और कौन उसका मिसयूज कर रहा है। तो मिसयूज बहुत ज्यादा करते हैं और इसीलिए उन लाखों बच्चों में से सिलेक्शन सिर्फ कुछ बच्चों का ही होता है, ठीक है। तो देखो स्मार्टफोन का यूज सभी करते हैं, लेकिन उसका मिसयूज साइड में हटा के थोड़ा कम करके थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रख। देखो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसपे अगर हम सोचें कि हमने इतनी देर पढ़ाई कर ली है तो हम थोड़ी देर 5 मिनट थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन जब हम टाइम देखते हैं तो रील स्क्रॉल करते 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 टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सोशल मीडिया से आपको थोड़ा दूर रहना है, ठीक है, थोड़ा क्या बिल्कुल ही दूर रहो, ठीक है। और ये ऐसी लाइफ है जिसमें फ्रेंड्स भी आप ऐसे रखो जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको और मोटिवेट करें कि आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ टिप्स थी जिससे आप अपना नीट इजीली क्रैक कर सकते हो। और एनटीए सिलेबस आपको बता ही देता है, जो सिलेबस है सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछता है, सिलेबस से बाहर एग्जाम में आता ही नहीं है। बेसिकली बायोलॉजी का तो वही सिंपल, बायोलॉजी के लिए देखो टिप्स देने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो भाई बायोलॉजी में तो सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एक तरह की भगवत गीता है, उसे ही अगर आप पढ़ लेते हो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी अगर आपको लाइन टू लाइन डीप मीनिंग्स आपको पता है तो यू कैन क्रैक योर नीट। अच्छा बायोलॉजी में तो आप 360 में 360 ले ही सकते हो अगर आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो। दूसरी चीज अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आती हैं। रिएक्शंस में तो आपको रिएजेंट का याद करना होता है कि क्या रिएजेंट है, उसके बाद प्रोडक्ट वगैरह क्या यूज करना है, वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो बेसिकली केमिस्ट्री में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। देखो जब तक हाथ नहीं घिसोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बेसिकली पेन और नोटबुक लेके बैठो और उनको करो, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नीट जल्दी क्रैक करना है तो प्रैक्टिस तो भी करनी पड़ेगी, इट्स वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें, देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा नहीं होता कि हम ओनली एलन की ही बुक ले रहे हैं या फिर हम बोले आकाश के मॉड्यूल्स ले, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉड्यूल्स आप कहीं से लो, आप नॉर्मल मॉड्यूल्स आप वहीं कहीं से भी खरीद लो, बेसिकली आप पीडब्ल्यू के लो, कहीं से लो भाई, ऐसा नहीं होता। देखो कंसेप्ट सब में सेम होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं लेकिन क्वेश्चंस भी सेम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो वो भी फिजिक्स ही, फिजिकल तो है नहीं, फिजिक्स ही है। तो बेसिकली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मॉड्यूल्स लगाओ जिसमें इजिली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मॉड्यूल्स तो आप लगा रहे हो लेकिन मिस्टेक क्या रह जाती है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सोल्व ही नहीं करते हो।
तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो 10 साल पहले के हैं, जो 5 साल पहले के हैं, कुछ पहले के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि उससे आपको ये एनालाइज होगा या आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, ठीक है। और नीट बेस्ड बहुत सारी बुक्स भी आती है जिसमें इजिली क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो PYQs होते हैं, ठीक है, 10 ईयर्स ओल्ड PYQs आपको इजिली मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो नीट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली JEE में भी ऐसा ही होता है, लेकिन नीट इज इजी देन JEE। इजी देखो, मुश्किल और इजी कुछ नहीं होता है, जिसको करना होता है उसके लिए सब इजी होता है, ठीक है। तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छी कर रहे होंगे, और आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी और हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी हैं, और कुछ जो भी आप मिस्टेक्स करते हो, वो मिस्टेक अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो वीडियो पे थम्स अप जरूर कर देना इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो एक रेड हर्ट इन द चैट सेक्शन और वी कैन से कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही ऐसे नेक्स्ट ऐसे ही टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो में। तो तब तक के लिए चलते हैं, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।